नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अष्टो आप सभी का लाइव प्रिपरेशन चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बी हेल्दी एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं फुल हैंड एनालिसिस के बारे में। इनका जो प्रश्न आया है वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट जॉब इनकी लाइफ में कैसी रहेगी, उन्होंने LLB किया है, जुडिशरी में जाना चाहती हैं, न्यायपालिका में जाना चाहती हैं, और कैसा रहेगा इनका भाग्य, आखिर क्या कहता है, क्या संकेत देता है समुद्र शास्त्र के द्वारा। दोस्तों, इनका हैंड हम एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें तो उंगलियों की बात करते हैं, तो उंगलियां देखिए आप क्वाइट लंबी हैं हथेली की अपेक्षा। डैट मीन्स कि ऐसे लोगों में धैर्य पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो चाहे जितनी भी हर्डल आ जाए, प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, समस्याएं आ जाएं, तो ऐसे लोग बहुत खूबसूरती से उसका सामना करते हैं। अगर हम थंब की बात करें, अंगूठे की बात करें, तो वो भी काफ़ी बड़ा और जो फ्रंट पोर्शन है, जो पोर है, फ्रंट पोर है, फ्लेंज है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और बिग दिखाई दे रहा है, और ये आपकी तर्जनी उंगली के हाफ तक भी पहुँचा है। डैट मीन्स कि विल पावर बहुत अच्छी होती है, लॉजिक स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो इनकी हार्ड लाइन में देखिए थोड़े से आइलैंड बने हुए हैं, तो इमोशनल ड्रामा खासकर बचपन की एज में से लेकर अभी तक इमोशनल ड्रामा काफ़ी बना हुआ है। इनके हॉरोस्कोप में भी अगर हम बात करें तो देखिए चंद्रमा केंद्रमूल योग में बैठे हुए हैं। अगर चंद्रमा के साथ में कोई नहीं बैठा होता है, इधर उधर भी कोई ग्रह नहीं बैठा होता है, तो केंद्रमूल दोष बनाता है। ऐसे व्यक्तियों को लाइफ में ऐसा होता है कि कोई चीज़ पाते हैं फिर खो देते हैं, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप के घर में बनना है, लाइफ पार्टनर के घर में बनना है, तो इसमें इनको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ इसमें हैंड में भी शो हो रही है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं माइंड लाइन की तरफ। माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है। देखिए शुरुआती बचपन में काफ़ी स्ट्रगल हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें इमोशनल ड्रामा हुआ है, उसके बाद अगर माइंड लाइन की देखें तो स्मूथ है और प्रॉपरली नीचे तक गई है। तो इमेजिनेशन इनकी काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल हैं ये, तो ये सन तक गई है, आपके मार्स तक गई है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो जीवन रेखा देखिए नीचे तक स्मूथ होके आई है, स्टार्टिंग एज में काफ़ी प्रॉब्लम है और फेट लाइन इसमें फाउंड नहीं हो रही है। तो इनका करियर रिलेटेड यही क्वेश्चन है कि वो ये काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम करियर में चल रही है, और ये करियर में प्रॉब्लम आगे कब तक चलने वाली है ये हम चलिए देखते हैं, क्योंकि फेट लाइन अभी फाउंड नहीं हुई है, जो बनी है वो काफ़ी टूटी है, तो भाग्य इनका साथ में नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम ये है। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मून को देखें, मून थोड़ा क्वाइट लोअर पे है और सही नहीं शो हो रहा है। अगर हम कुंडली में भी देखें तो मून अच्छा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। डैट मीन्स कि उनको चंद्रमा का उपाय करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें करके तभी आप इन चीज़ों को बेहतर अचीव कर सकती हैं। अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें, देखते हैं शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा दिखा, तो पैसे की जीवन में कमी नहीं होगी, पैसा अच्छे मात्रा में जीवन में आएगा। और अगर हम राहु की बात करें तो स्ट्रगल लाइनें भी हैं, कुछ दिखाई देती हैं, और इनका जो फिजिकल एबिलिटी है, इनको जो मेंटल एबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि आपका जो आंतरिक मंगल है वो ऊंचा है, वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा है। अगर हम फर्स्ट उंगली की बात करें, फर्स्ट फिंगर की बात करें, तो यहाँ पे आपको तर्जनी उंगली के नीचे ग्रुप पर रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। गुरु जो ज्ञान के दाता होते हैं, गुरु जो एकेडमिक को देखते हैं, गुरु जो व्यक्ति को ज्ञान और नॉलेज देते हैं, तो आप इस तरह का कोई भी काम कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। अगर हम सैटर्न उंगली पे आते हैं तो सैटर्न के कुंडली में देखिए हॉरोस्कोप में सैटर्न ओन हाउस कवर करने हैं, ओन हाउस में बैठे हुए हैं, तो सैटर्न इनके काफ़ी अच्छे हैं, तो इसी कारण ये जुडिशरी में गई, न्यायपालिका में गई, और LLB करने के बाद अब इसमें और आगे मूव ऑन करना चाह रही हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हमको ये होगा कि ये तो अच्छा है, लेकिन इनके हॉरोस्कोप में जो दशा स्टार्ट हो रही है वो 21-22 के बाद स्टार्ट हो रही है, सैटर्न की अंतरदशा, तो उसके बाद ही इनको सैटर्न का फ़ायदा मिल सकता है, तब तक एकेडमिक फील्ड में कोई काम कर सकती हैं। अगर हम सन उंगली की बात करें तो सन उंगली देखिए यहाँ पे सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी वीक है। सन सुबह जल्दी उठ के सूर्य अर्ध देना और सूर्य को बलि करना दर्शाया जाता है। अगर हम आपकी कष्टिका उंगली की बात करते हैं, लिटिल फिंगर की बात करते हैं, तो थोड़ी साय पर्सनैलिटी की हैं, अपनी बात सबसे नहीं कह पाती हैं, कभी कभी इनका इसी वजह से लॉस भी हो जाता है, जब इनको अब किसी समय पे अपनी बात कहना चाहिए फिर भी अपनी बात जाहिर नहीं करती हैं, ये इनका थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। और ये सेकेंड फैलेंस तक लगभग हाफ तक पहुंचा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये थोड़ी नीचे सेट है आपकी लिटिल फिंगर, तो ये भी आपके में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
और दोस्तों हम लोग अगर नीचे आए मणिबंध पे तो इनकी आयु पूर्ण है, आयु पूरी तरीके से मणिबंध अच्छा बना हुआ है, काफ़ी गुड साइन है ये इंडिकेशन। अगर हॉरोस्कोप में बात करें तो हॉरोस्कोप में भी ये जुपिटर सिंह राशि में बैठे हैं तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। बाकी योगों को देखें तो राहु मानसिक तनाव लेके आते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से वीनस अच्छा होने के कारण और सन अच्छा होने के कारण और मार्स का पोजीशन कुंडली में अच्छी है, डैट मीन्स कि विल पावर दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग वुमेन है। तो ये था इनका हैंड का एनालिसिस जो हमने क्विक और शॉर्ट तरीके से जाना कौन कौन सी बेसिक लाइनें होती हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं अपना फ्यूचर कैसा होगा।